और वात्सल्य की छत्र छाया में संपूर्ण विश्व अलौकिक सुख शांति एवं असीम आनंद का अनुभव कर रहा है। मैं अलौकिक स्नेह भरी दृष्टि से अपने संतानों पर प्रेम की वर्षा कर रही हूँ, दृष्टि कर रही हूँ। मैं शिव शक्ति माँ जगदम्बा हूँ। मैं शिव शक्ति माँ जगदम्बा हूँ। ज्ञान रत्नों से संपन्न माँ महालक्ष्मी हूँ। मैं ज्ञान धन गुण धन एवं स्थूल धन से भी परिपूर्ण हूँ। मैं जानती हूँ ईश्वरीय ज्ञान की अपार संपदा है, वह सबसे अधिक धनवान है। मैं ऐसे ही सर्व शक्तियों सर्व गुणों सर्व खजानों की स्वामिनी हूँ। मैं महालक्ष्मी हूँ। मैं पुनः इस भारतवर्ष को अपार धन संपदा से भरपूर करने वाली हूँ।
भरा हो। सुख संपदा से संपन्न बनाने की लक्ष्य धारणी हूँ मैं, महालक्ष्मी हूँ मैं। ईश्वरीय लक्षणों से सुसज्जित श्रृंगारित सुलक्ष्मी महालक्ष्मी हूँ मैं। सुलक्षणों से संपन्न महालक्ष्मी हूँ। हर प्रकार के धन संपदा से सबको संपन्न बनाने वाली हूँ मैं। शिव शक्ति महालक्ष्मी हूँ मैं। शिव शक्ति महालक्ष्मी हूँ। मुझे ज्ञान वीणा वादिनी कहते हैं। मैं विद्या की देवी सरस्वती हूँ। मुझसे सारा संसार ज्ञान का वरदान प्राप्त करता है। मेरे वरद हस्त सबको विद्या से संपन्न करते हैं। मैं विद्या दायिनी विद्या की देवी हूँ। ईश्वरीय ज्ञान के रहस्य मेरे मुख अरविंद से सरलता से प्रवाहित होते हैं। परमात्मा ज्ञान और
ही कर कर सर्व आत्माओं को प्रिय लगता है। इसलिए मुझे वीणावादिनी माँ शारदेवी कहते हैं। मैं विद्या की देवी माँ सरस्वती हूँ। मैं सारे जगत के सभी आत्माओं को अज्ञान अंधकार समाप्त करने वाली हूँ। मैं परमात्मा ज्ञान का प्रकाश सब में बिखरने वाली हूँ। सबको ज्ञान चक्षु प्रदान करने वाली हूँ। मैं शिव शक्ति माँ सरस्वती हूँ। मैं शिव शक्ति माँ सरस्वती हूँ। कमजोरियों पर काली हूँ और कमजोरों को बल देने वाली हूँ। कोई भी दैहिक दृष्टि वृत्ति वाला मेरे सन्मुख स्थित नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने स्वयं ही सभी बुरी आदतों को
काली बनकर कार के गाल में समा दिया है। मैं शिव शक्तियों से इतनी संपन्न हूँ कि व्यक्ति प्रकृति की कोई भी हलचल मुझे हिला नहीं सकती, कोई आकर्षण मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। स्वप्न व संकल्प में भी कोई संस्कार मुझ पर वार नहीं कर सकते। मैंने आसुरी संस्कारों का आखिरी संस्कार कर दिया है, समाप्त कर दिया है। मैं कोमल नहीं हूँ, मैं काली हूँ, मैं शिव शक्ति महाकाली हूँ। आसुरी शक्तियों से बचाने वाली हूँ, मैं आसुर संहारी महाकाली हूँ। मैं शिव शक्ति महाकाली हूँ। मैं सभी को
शिव बाबा का महामंत्र मन मना भाव को देने वाली हूँ। मैं शिव की समस्त गुणों के गायन योग्य बनाने वाली माँ गायत्री हूँ। मेरे स्वमान युक्त संकल्प अत्यंत शक्तिशाली है, इसीलिए मेरे महामंत्र के स्मरण मात्र से लोग शक्ति का अनुभव करते हैं। आत्माएं निर्भय और निश्चिंत हो जाते हैं। सभी अपना अभीष्ट प्राप्त करते हैं। मैं शिव शक्ति माँ गायत्री हूँ। मेरा अभियान संपूर्ण विश्व पर रहा है। मेरे सन्मुख उपस्थित होकर मेरी जड़ मूर्तियों से भी सभी गुण प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और गायन योग्य बनने की कामना कर रहे हैं। मैं अपनी वरदानी मुद्रा से सभी को वरदान दे रही हूँ। मैं शिव शक्ति माँ गायत्री हूँ। मैं शिव शक्ति माँ गायत्री हूँ। Oh,
व्यक्ति वह संतोषी हो। आज सारा संसार इच्छाओं, तृष्णाओं, आशाओं के पीछे भाग रहा है। व्यर्थ ही अपनी परछाई को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा है। निरर्थक भाग दौड़ में हताश एवं निराश है। असंतोष ही असंतोष उसे जीवन में देख रहा है। मैं शिव शक्ति मां संतोषी हूं। मैंने शिव पिता से संतुष्टता का अखंड भंडार प्राप्त किया है। मैं अनंत शक्तियों से संपन्न हूँ। मैं संतोषी हूँ। मैं सर्व प्राप्तियों से भरपूर हूँ। मैं शिव शक्ति मां संतोषी हूँ। मैं आप्तगान हूँ। समस्त कामनाओं को मैंने जीता है, इसलिए मेरी स्मृति मात्र से भी सभी संतोष अनुभव करते हैं। मैंने सभी को संतुष्ट करने की सेवा की है, इसीलिए भक्त ओ मां संतोषी, ओ मां संतोषी कहकर मुझे पुकार रहे हैं। मेरी मूर्ति से भी सभी को संतोष का अनुभव हो रहा है। मेरे नेम, चेहरा, हाव भाव संतुष्टता का वरदान दे रहे हैं। संतोष का धन सबसे बड़ा धन है। मैं संतोष के धन से संपन्न हूँ, इसलिए सभी को संतोष के धन से संपन्न करने वाली हूँ। मुझसे सारा संसार संतुष्टता का वरदान प्राप्त कर रहा है। जीवन क्षण प्रतिक्षण सभी संतुष्टता का अनुभव कर रहे हैं। मैं शिव शक्ति मां संतोषी हूँ। मैं शिव शक्ति मां संतोषी हूँ।